भाई। सही था, शॉर्टकट ले लिए और टोटो वाला। अरे भाई गाइस, तभी आए थे गैरेज में। ये रिव्यू तो गाइस हो रहा है, पॉपकॉर्न बन। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू डिड फाइन। गाइस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10:30 और गाइस अभी हमको जाना है बाहर। आज संडे बर्बाद हो गया गाइस। दीदी पता नहीं क्या छोटा पर्ची में दिए लाने के लिए क्या क्या। ध्यान से देखो उस लड़की को, ध्यान से देखो। इस छोटे पर्ची में गाइस लेके आना है सामान, तो वही लेके आना। आज गाइस मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेटा, लव यू मम्मी। तो गाइस यही कुछ सामान लेके आना है, तो चलो चलते लेके आते। मम्मी यही लेके आना और कुछ नहीं ना? ठीक है, तो मम्मी झोला दे दो छोटा था एक। हड्डी दे दीजिए सोचा भैया। प्याज दे दीजिए, आधी लहसुन भी दे दीजिए, धनिया पत्ता दे दीजिए अंकल। तो गाइस तो अभी सब कुछ ले चुके हैं, ये देखो पूरा झोला भर चुका है। तो जा रहे गाइस घर, काफी धूप है और इतने धूप में सारा सामान लेना पड़ा। संडे था गाइस, संडे भी अब कोई नहीं, चलो घर चलते हैं पहले, और घर जाके पहले पानी पिएंगे, बहुत गर्मी लग रहा है। सो गाइस अब तो भी नहा लिए हैं, तो अभी बज रहे गाइस दोपहर के 2। तो अभी मम्मी खाना बनाई है, क्या बनाई है तुमको पता ही है, क्योंकि हम ही आज लेके आए। वो फिश लेके आए गाइस, हमको रेहू फिश बहुत अच्छा लगता है। तो आज मदर्स डे भी था, मम्मी बोली लेके आओ फिश बनाएंगे आज, तो मम्मी के हाथ का टेस्टी फिश तो अभी खाएंगे, चलो अभी खाते। तो ये रहा गाइस मम्मी बनाई है अभी फिश, ये रहा। हमको भाई ज्यादा फिश अच्छा नहीं लगता, इसीलिए 2 पीस फिश लिया और ये रहा इसमें झोल, तो अभी खाएंगे कुछ। सो गाइस तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गाइस वो चिकन, चिकन गाइस अच्छा लगता है खाने में, मछली ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, इसलिए गाइस हम 2 पीस लिए। क्योंकि गाइस उसका जो कांटा होता है ना वो गले में गड़ जाता है, छोटे छोटे कांटा होता है वो गड़ जाता है, क्योंकि इसलिए बड़ा पीस लेके आए थे। भाई बोले थे बड़ा पीस लेके आने के लिए, इसलिए बड़ा पीस लेके आए थे। तो चलो गाइस अभी खाते हैं मछली। तो गाइस मछली में सबसे अच्छा लगता है रेहू, रेहू फिश गाइस बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गाइस वही लेके आए, हम ही लेके आए अपने पसंद का। तो चलो गाइस अभी खाते। अरे यार कितना गंदा हो चुका है यार, ये देखो कितना डस्ट जम गया इसमें। ये इसको बाइक को बहुत दिन हो गया चलाया हुआ है, पूरा गंदा हो गया बाइक। तो इसको पहले पोज देते, देखो गाइस कितना गंदा हो गया बाइक, इसको बहुत दिन हो गया चलाया हुआ है। अभी आए थे गैरेज में, गैरेज में बोला बाइक को थोड़ा देखिए स्टार्ट करके, स्टार्ट नहीं हो रहा था, पेट्रोल नहीं था। तो गाइस उसको अभी पहले पोज देंगे उस बाइक को, और फिर लाएंगे उसमें पेट्रोल डालेंगे, फिर पेट्रोल पंप जाएंगे, तो खेल के लिए ले जाएंगे इसको, बुलेट पे लेके जाएंगे और उसमें तेल भरवा के बॉटल में फिर इसके अंदर डालेंगे। इसको पहले पोछ देते हैं, बहुत गंदा हो गया। तो गाइस हल्का सा पोछ नहीं चमक जाता है। ये गड्डी मेरा फेवरेट, पहला गड्डी था ये गाड़ी, देखो पोछते ही चमक जा रहा है। उसको अच्छे से पहले पोछ देते हैं। अब थोड़ा गाइस तो भाई चमक रहा है, पोछ दिए, काफी मेहनत लगा। तो भी गाइस स्टार्ट करके देखते हैं, तो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वरना इसमें पेट्रोल लाना होगा। स्विच ऑन है और स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल स्टार्ट तो हो गया, नहीं तो पेट्रोल है, क्योंकि तो काफ़ी कम है, इसमें लाना होगा, पेट्रोल डालना होगा, बहुत कम है। उस बाइक को गाइस चलाए हुए बहुत दिन हो गया था, 2 महीने से ऊपर होने वाला था। तो अभी गैरेज में आए थे, बाइक को पोछ दिए, उसमें इस पेट्रोल है इनके रिजर्व में, तो उसमें तो आप पेट्रोल भी ला के बॉटल से डाल देते, पता नहीं बीच में कब बंद हो जाए। तो उसमें बाइक से जाएंगे, ये वाले बाइक से जाएंगे, उसमें पेट्रोल ला के डाल देंगे, तो पेट्रोल हो जाएगा तो स्टार्ट भी कर देंगे, उसके एक राउंड मारेंगे तो बाइक तो चार्ज हो जाएगा, उसका बैटरी भी थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि 2 महीना हो चुका था गाइस और बाइक को चलाए भी नहीं थे बिल्कुल। और तो चलो पेट्रोल लेके आते हैं, हम बॉटल तो लेके आए थे, देखते हैं बॉटल में मिलता है कि नहीं, बॉटल में लोग देंगे कि नहीं। हम बॉटल लेके आए थे चोरा के अंदर, तो चलते हैं पेट्रोल पंप और पेट्रोल लेंगे। तो गाइस अभी आ गए पेट्रोल लेने के लिए, एक दोस्त था उसको लेना था, तो उसी के लिए लेने के लिए रुके थे, अभी रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, रुके एक मिनट क्रॉस करते हैं। अभी का मौसम बहुत मस्त हो रहा है, अभी हम लोग निकले और टोटो वाला, अरे भाई साइड से लेके गया टोटो वाला गाइस। ये रहा गाइस पेट्रोल पंप आ गया, सामने लिखा हुआ है आई लव इंडियन ऑयल, यहीं से पेट्रोल लेते हैं, मेरे घर के पास में है काफी, तो यहीं से पेट्रोल लेते, चलो लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ से भी पेट्रोल ले चुके हैं, तो अभी चलते हैं यहाँ से।
पेट्रोल तो अभी ले चुके थे यहाँ से जा रहे अभी, और फिर घर से जाके फिर अभी आए आज फुटबॉल खेलने के लिए। तू खेल रही फुटबॉल? नहीं, क्यों? तो गाइस अभी यहाँ पे यहीं पे आएंगे फुटबॉल खेलने के लिए, तो अभी जिसको पेट्रोल को गाइस पल्सर में डाल देते हैं फिर यहीं पे आएंगे फुटबॉल खेलने के लिए। हाँ बैठ जा देवेश, बैठ जा। देखो मुंह छुपा रहा है लड़का, मुंह छुपा रहा है। यहीं से जा रहे हैं अभी, पेट्रोल डालेंगे अपने पल्सर में फिर वापस आएंगे। अभी तो गाइस मौसम बहुत मस्त हो रहा है, अच्छा भी हवा चल रहा है, धूप भी नहीं है इस टाइम का। इस राइड करने में काफी मजा आता है, मतलब रोड पे गाइस ब्लॉगिंग करने में कुछ मजा ही कुछ आता है। राइडिंग करते वक्त ब्लॉग करते हैं तो लोग देखते भी है और मजा भी आता है, कोई नहीं अभी चलते। वैसे गाइस अभी हवा तो बहुत अभी जोर से चल रहा है भाई, ये ऑटो वाले से बच के रहना। आपने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा ऑटो चला रहे थे गाइस, चाप दिया। शॉर्टकट ले लिए, शॉर्टकट यहाँ से निकलेंगे अपने लाइव स्टेशन पहुंचेंगे। छोटे छोटे बंपर यार ये रोड में गाइस, शॉर्टकट लेने से यही होता है गाइस, छोटे छोटे बंपर होता है ना ये गली में, वो गाइस बहुत प्रॉब्लम होता है। ब्रेक मारो फिर क्लच पकड़ो बार बार, अरे रे हाँ। ये देखो गाइस शॉर्टकट, ये शॉर्टकट का पेट्रोल भी बचता है इससे और टाइम भी बचता है। टाइम का क्या, पेट्रोल बचता है, बात ये है। सब बस बेटा बहुत बड़े भी आ गए यहाँ पे गाइस। अरे भाई भाई कहा चापा बोले गई, जहाँ भी चला यहाँ पे गाइस कलकत्ता में ऑटो वाले से बच के रहो, वो गाइस कुछ भी फटा से कहीं से ढुका देता है ये ऑटो वाले गाइस, मतलब रोड पे एकदम दादागिरी। उसका जो ऑटो वाला रहता है ऑटो, वो ऑटो का गाइस बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है, कोई भी गाइस कहीं भी स्क्रैच देके निकल लो। अरे भाई अजीब है यार, अभी एक्सीडेंट होता उसका, इसीलिए गाइस रोड पे हमेशा धीरे चलाना चाहिए बाइक को, आराम से देख करके गाइस। ऐसे ऐसे भी लोग भी रहते हैं जो कि क्रॉस कर देते हैं फटाक से सामने से, कोई नहीं अभी पहुंच चुके हैं यहाँ से थोड़ा दूर स्टेशन से गाइस, मेरे घर पास ही में, ज्यादा दूर नहीं। वैसे इसके अंदर पेट्रोल था नीचे कुछ तो तब भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं सूख गया होगा, पूरा पिज्जा पिज्जा पूरा पी रहा है, पूरा प्यासा था। दो लीटर था, दो लीटर चिकन वैसे रिजर्व में था बट दो लीटर डाल दिए, हल्का इंजन स्टार्ट कर देंगे फिर लास्ट दिन जब जाएंगे तो पूछ करवा देंगे। कहाँ जाएंगे पोज दिए, देखो हाथ नहीं पूछे चमक गए, चलाते वरना गए इसका जो इंजन है वो बहुत दिन से चलाए नहीं थे, तो बैटरी जो है वो डाउन हो जाता है इसका पल्सर का, तो चलो इसमें किक भी नहीं, 180 है, 180 में किक रहता नहीं, तो इसीलिए तो स्टार्ट कर दे तो चला दे, जिसमें बैटरी जो है तो चार्ज हो जाएगा। बॉटल पे नहीं रहते काम आएगा, फिर काम आएगा। हवा दे तो भाई, इसमें हवा कम है, आगे दिख रहा बहुत ही कम है, दे दे तो भाई हवा।
तो गाइस अभी बाइक में हवा दिलवा रहे क्योंकि इसमें दो महीना हो गया था चलाए नहीं थे बाइक, पूरा हवा देख सकते हो, आगे वाला टायर पूरा बैठ गया, पूरा ही बैठ गया। आगे कम था ना, कितना भाई? 3 रुपया। गुजराती मिलना तो नहीं है, बाद ही दे देंगे। ठीक है चलो भाई, इतना भी काफी है, बाद में देंगे। भाई बाद ही दे देंगे भाई, चलो गाइस चलते हैं, आज ही बैठो। भैया ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भाई, हाई कर दो कैमरा में, ये देखिए तुम भी देखेगा कैमरा में। अरे भैया तो मेरे घर के बगल में, मतलब जो घर के सामने जो बाइक में कुछ भी होता है तो यहीं पे लाते हैं, एक भैया है तो उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, तो गाइस धीरे धीरे करके यही सब सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो कोई सभी चलो चलते हैं वहाँ पे ही फुटबॉल खेलेंगे, यहाँ पे गाइस तो भीड़ भाड़ होगी गाइस, अभी शाम हो गया, शाम को गाइस ये स्टेशन बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे अभी, तो अभी हम लोग खेलेंगे, खेलेगा दिवेश तू भी? तो गाइस तो अभी हम लोग जा रहे गाइस मोर, क्योंकि गाइस तो घर का राशन था वही लाना था गाइस, तो इसलिए जा रहे अभी, तो गाइस चलो चलते हैं। सो गाइस हम लोग आगे भी मोर, तो यहीं से कुछ सामान लेंगे राशन का, तो चलो चलते हैं। तो गाइस तो अभी हम टोटो में बैठ चुके हैं, ये रहा सामान सारा ले चुके हैं, तो अभी जाएंगे घर, वहाँ पे मम्मी दीदी लोग तो पैदल आ रही है, और घर जाके फिर साइकिल से वरना बाइक से आएंगे, और मम्मी के लिए लेंगे गाइस केक, क्योंकि आज मदर्स डे है तो मम्मी के लिए कुछ स्पेशल केक लेंगे आज, और चलो चलते अभी घर। सो गाइस तो हम लोग गए थे गाइस केक लेने के लिए, क्योंकि गाइस अभी बज रहा है रात के गाइस 9:30 हो गया था, तो आते जाते में गाइस दुकान बंद हो गया था, मियो मोर का दुकान 8:30 बजे मतलब सारा बिक जाता है, तो बिक गया था, हमको लगा होगा तो लेंगे केक, नहीं लिए तो गाइस कोई नहीं, मम्मी के लिए आइसक्रीम ले लिए, तो गाइस मम्मी हैप्पी मदर्स डे मम्मी, थैंक यू बेटा, थैंक यू मम्मी। मम्मी मेरे लिए गाइस स्पेशल स्पेशल खाना बनाती है, तो मम्मी केक नहीं ला पाए मम्मी, थैंक यू बाबू। तो गाइस रुको स्पून लेके आते, चम्मच लेके आते, रुको चम्मच लेके आते, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, टेस्टी है, टेस्टी है, ठीक है, थैंक यू मम्मी। गाइस मम्मी मेरे लिए जो माथा दर्द करता था माथा दबा देती है, और इतना अच्छे से खाना बनाती है, थैंक यू सो मच मम्मी। तो यही था मम्मी के लिए, केक नहीं लेके आया मम्मी, आइसक्रीम टेस्टी है मम्मी, तो चलो हम लोग भी खाते हैं अभी, तो आइसक्रीम एंजॉय करते आ जाओ चलो। सो गाइस तो अभी हम लोग लेके आए थे गाइस मोर से ये फैमिली पैक एक टू पॉपकॉर्न, तो अभी इसको कुकर में डाल के बनाएंगे, तो अभी कुकर गर्म हो रहा है तो बनाएंगे अभी पॉपकॉर्न और खाएंगे, फैमिली पैक है सबके लिए, चलो अब बनाते हैं। ये तो गाइस हो रहा है, पॉपकॉर्न बन गया, हो गया ना दीदी? हो गया हाँ हो गया, सारा फूट गया, चलो खाते, बन गया पॉपकॉर्न पूरा, जला भी नहीं, अच्छा बना, वाह अरे ये तो पूरा भर गया, चलो खाते। तो मम्मी हमेशा मेरे लिए डिश बनाती थी, तो हम मम्मी के लिए छोटा सा पॉपकॉर्न बनाया लेके आए थे मोर से, तो चलो मम्मी को देते हैं, बनाते हैं हैप्पी मदर्स डे, मम्मी को देते हैं, मम्मी देखो तुम्हारे पॉपकॉर्न बनाया बहुत अच्छा, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, ये मोती को देखो, ये मोती को देखो, बोलता है मम्मी अम्मी तुम्हारा बेटा है, जो भी दो इसको भी खिला दो, नहीं इसको मत, इसको डॉक्टर बना दिया, तुमको नहीं इसको देखो गाइस, इसको देखो, सो गाइस तो बस आज के लिए इतना ही, होप करते गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होता, लाइक कर देना गाइस और कमेंट किए बिना मत जाना, और गाइस तो जैसा कि मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ ब्लॉग।